shortage of vaccines, efforts are on to ramp up vaccine production. The Bharat Immunological and Biological Corporation Limited will produce 1 crore Covaxin doses every month starting September at its plant at Bulandshahr. The production capacity will be increased to 2 crore doses per month in the coming times, but the Union Health Ministry has said it will provide 30 crore rupees to Bibcol for the production of Covaxin. We bring you a ground report from the vaccine manufacturing unit. भारत सरकार और भारत बायोटेक कोवैक्सीन के निर्माण के लिए बिबकॉल के साथ फार्मूले का समझौता किया है, यानी कि कोवैक्सीन का फार्मूला इस कंपनी को दिया जाएगा और इसके जरिए जो वैक्सीन है उसके डोज तैयार किए जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही पोलियो की वैक्सीन बनाती है और इसके पास एक तरीके का एक्सपर्टाइज है और वो आने वाले दिनों में ज़्यादा डोज वैक्सीन की तैयार करेगी जिससे कि कोरोना संक्रमण से निपटा जा सकेगा। भारत सरकार ने जो हमको प्रोडक्शन करने के लिए टाइमलाइन दिया है उसके हिसाब से हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 10 मिलियन डोजेज, मतलब 1 करोड़ डोज हम हर महीने बनाएंगे, जो हमारा इनिशियल टारगेट है। उसको हम स्केल अप करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम भारत सरकार की मदद करेंगे। मोर देन 40 मिलियन डोजेज हम स्टोर कर सकते हैं कोरोना वैक्सीन की भी 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर, और 100 मिलियन डोजेज कर सकते हैं हम ओपीवी की स्टोरेज सेम टाइम। यानी कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको स्टोरेज करने की क्षमता आप लोगों के पास काफ़ी? हाँ, बिबकॉल के पास काफ़ी क्षमता है स्टोरेज की।